Students, I'm yet again here with another topic. Is 40500 a perfect cube? पहले आप perfect cube देखेंगे कि perfect cube है या नहीं है. In the last video, we discussed how to find that a particular number is a perfect cube or not. Firstly, we will do the prime factorization of that number, and then क्लब द प्राइम नंबर्स इनटू ट्रिपलेट्स. लाइक हमने जो जो क्लब अप हो रहा है ट्रिपलेट्स में वो हमने कर दिया है, बट स्टिल थ्री प्राइम नंबर्स आर लेफ्ट व्हिच कांट बी क्लब्ड इनटू ट्रिपलेट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एज वी कैन नॉट form triplet of all the prime numbers. So this number is not a perfect cube. अब ये perfect cube नहीं है. अब हमें convert करना है इसको perfect cube में. पहले हमने सिर्फ ये discuss किया था कि perfect cube है तो हम उसे कैसे कैसे find out करेंगे उसका cube root. अब हम इस video में ये discuss करेंगे multiply और divide करने से कैसे हम एक नंबर को परफेक्ट क्यूब में चेंज कर सकते हैं. कैसे हम एक नंबर को हाउ कैन वी चेंज अ गिवन नंबर इनटू परफेक्ट क्यूब बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर एंड डिवाइडिंग द नंबर. सो इसमें लेफ्ट प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 × 2 × 3. तो 2 को ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए 2 2s है हमारे पास, 1 2 नहीं है. सो मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 2, क्योंकि 2 रहता है. और 3, यू कैन सी देयर इज ओनली 1 3 हियर, सो 2 3s आर रिक्वायर्ड. सो इनटू 3, सो योर आंसर इज 9 × 9 = 18. 9 × 3 = 9, 9 × 2 = 18. सो 18. Multiply the given number by 18 to obtain a perfect cube. Students, हमारे पास आंसर आ गया जो हमें चाहिए. By what number should 40500 be multiplied to obtain a perfect cube? हमारे पास आ गया multiply the given number, multiply the given number by 18 to obtain a perfect cube. अब हमें ये बताना है कि हम divide किससे करते हैं. Next question का हमें answer देना है, divide हम किससे करेंगे. अब देखिए ये triplet form कर रहा है, ये triplet form कर रहा है, तो ये और ये एक्स्ट्रा, ये 2 2s और 1 3 एक्स्ट्रा. सो डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2 into 2 into
3, that is equal to 2 into 2, 4. 4 into 3, 12. 2 obtain a perfect cube. स्टूडेंट्स फिर आज हमने क्या सीखा है कि अगर एक गिवन नंबर है आपके पास विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब तो उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर कर परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट? मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जिससे ट्रिपलेट्स फॉर्म हो जाएं जो बचे हुए प्राइम नंबर्स हैं. और डिवाइड कैसे करेंगे? जो बचे हुए नंबर्स है उससे डिवाइड कर देंगे सो दैट वी गेट अ परफेक्ट क्यूब. So, students, I hope you are clear about this concept.